अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की नोटिफिकेशन, सेकंड राउंड की नोटिफिकेशन बोपी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की है। स्टूडेंट्स बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब ये नोटिफिकेशन निकलेगी, और बहुत ही स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि एलिजिबल कौन होगा सेकेंड राउंड के लिए और कौन एलिजिबल नहीं होगा। इसमें इन्होंने सब कुछ मेंशन किया है, और मेंशन ये भी हुआ है काउंसलिंग नोटिफिकेशन में, ये मेंशन होता ही है, मतलब कि किस जिन किसकी काउंसलिंग है। इन्होंने इस साल क्या किया आप सब देख सकते हो, 12th of Jan 2023 को फ्रॉम रैंक 0 to 8551 सिर्फ ST और OSC कैंडिडेट्स की, और इन्होंने मेंशन ये भी किया है JKPM, PSP, SC, SP और LC, IB कैंडिडेट्स, मतलब जो कैटेगरी कैंडिडेट्स है एक्सक्लूडिंग EWS एंड RBA, RBA कैंडिडेट्स और EWS कैंडिडेट्स के बगैर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो काउंसलिंग होगी वो 12th को होगी, मतलब कैटेगरी कैंडिडेट्स की, और 14th of Jan 2023 को होगी RBA कैटेगरी कैंडिडेट्स की फ्रॉम रैंक 0 to 8551। मतलब उन्होंने यही मेंशन किया है कि वही स्टूडेंट्स एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए, वही आ सकते हैं काउंसलिंग के लिए जिनकी जो रैंक है 8551 तक है, मतलब अगर किसी की रैंक 8552 है वो एलिजिबल है नहीं यहाँ काउंसलिंग के लिए। और 16th of Jan 2023 को ओपन मेरिट कैंडिडेट्स की हैं, सारे ओपन मेरिट कैंडिडेट्स की एक्सक्लूडिंग EWS कैंडिडेट्स, लेकिन रैंक 0 to 600। फिर 17th को 1201 से 1700 तक, और फिर 18th को आप सब देख सकते हो फ्रॉम 2301 to 3400, और 22nd of Jan 2023 को ये काउंसलिंग ख़त्म होगी, और उस दिन 6801 से 8551 तक काउंसलिंग होगी। इन्होंने मेंशन किया है कि कौन से स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल हैं, इन्होंने पहले मेंशन किया कि कौन एलिजिबल है नहीं, वो कैंडिडेट्स जिनको सीट मिली फर्स्ट राउंड में बट उनने ज्वाइन किया नहीं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, और वो द कैंडिडेट्स हु हैव कैंसल्ड देयर एडमिशन आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉलेज अलॉटेड टू देम इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अगर किसी स्टूडेंट को कॉलेज मिला, उसने एडमिशन किया, फिर एडमिशन कैंसिल किया या करा ही नहीं, तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा फर्स्ट राउंड के लिए, मतलब सेकेंड राउंड के लिए। अब एलिजिबल कौन कौन कैंडिडेट्स है, वो कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन फर्स्ट राउंड और उनने एडमिशन किया, और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने CNA और SNA लिखा फर्स्ट राउंड में, क्योंकि उनके मतलब जो भी उन्हें कॉलेज चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था और उन्होंने CNA SNA लिखा, और वो कैंडिडेट्स जिनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग मिस मतलब हुई, उनने पार्टिसिपेट किया ही नहीं, वो भी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर इन्होंने मेंशन किया है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, आप ये नोटिफिकेशन बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट www.jkbopi.gov.in पर जाके डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। जिनका पहली मतलब जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग अटेंड की उन्हें फी पे किया होगा 1000, और जिन्होंने नहीं की उनको अब करना होगा। और फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो था वो ऑनलाइन था, या ऑनलाइन ही फिजिकल काउंसलिंग है, आप देख सकते हो। उन्हें मेंशन यहां भी किया है कंडक्ट ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग, मतलब ये ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़।